हेलो दोस्तों, आर एक्सप्लोरेटरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एसक्यूआर का ब्लड प्रेशर मॉनिटर। तो आप देख सकते हैं, यह है इसका बॉक्स। यह है मॉडल DG4111। ये सेल पे भी चलता है और इस पे आप एंड्रॉयड मोबाइल का चार्जर भी लगा सकते हैं, USB चार्जर। तो आप साइड में देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। तो आप ये देख सकते हैं साइड में प्रेशर 0 mmHg से 290 mmHg तक ये दिखा सकता है और पल्स 40 to 180 बीट्स पर मिनट ये दिखा सकता है। इसका मेजरमेंट एक्यूरेसी ±3 mmHg है और पल्स का एक्यूरेसी ±5% है। इसमें ऑटोमेटिक प्रेशराइजेशन होता है, मतलब इसमें एक इनबिल्ट कंप्रेसर है छोटा सा। अगर इसका बैटरी लो रहेगा तो ऑटोमेटिक ये पावर ऑफ हो जाता है। इसके साथ 4A बैटरीज नहीं आता, लेकिन इसको अगर आपके पास USB चार्जर नहीं रहेगा तो 4A साइज बैटरी रखता है। इसका वेट है 249 grams और इसके डायमेंशन आप देख सकते हैं 132 x 112 x 70 mm। और इसका जो कफ फिट है, उसका जो डायमेंशन है वो 22 to 32 cm है इसका डायमीटर, जो आप आपके हाथ के साइज के हिसाब से आप मंगा सकते हैं, अगर आपको अगर बड़ा चाहिए तो। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए 24 to 32 cm ये सफिशेंट है। दोस्तों, ये मशीन बाजार में 1500 तक मिल जाता है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और इसके रिलेटेड ब्लड प्रेशर मॉनिटर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ये खरीद सकते हैं। ये बॉक्स का पीछे का साइड, तो आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं इसमें। और ये यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको टेबल के ऊपर आपका हाथ रखना है और आपको हाथ को ये कफ लगाना है और उसे टाइट करना है। फिर आपको स्टार्ट बटन दबाना है। फिर जैसे रीडिंग स्टेबलाइज हो जाता है तो आपको एम बटन दबाना है, तो आपका जो रीडिंग है वो एम इसमें सेव हो जाएगा। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका डेमो करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, यह है एसक्यूआर का BP मॉनिटरिंग मशीन और यह है इसका कफ। और इसके साथ ये स्मॉल थैली आता है जिसमें आप ये सब रख सकते हैं। तो इसे मैं बाजू में रख देता हूँ। तो मैं आपको ये अभी डेमो करके दिखा देता हूँ। तो इसके पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4A साइज़ का बैटरी बैठ सकता है। तो मैंने अभी बैटरी डाला है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये 4A साइज़ का बैटरी डाला है। तो इन्हें मैं बिठा दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में USB पिन के लिए जगह दिया गया है। यहाँ पे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का चार्जर लगा के भी ये यूज़ कर सकते हैं। और साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कप लगाने के लिए जगह दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है CUFF, तो आप यहाँ पे कप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कप लगाना है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये लगा दिया है मैंने। फिर आपको ये जो कप है ये हाथ के ऊपर लगाना है, तो मैं अभी ये मेरा हाथ के ऊपर लगाता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये कप, इसमें आपको हाथ डाल के यहाँ से फिर आपके हाथ के ऊपर लेके फिर यहाँ से आपको ये टाइट करके लगाना है। तो मैं अभी ये टाइट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने हाथ पे टाइट कर दिया है। तो अभी मैं मशीन चालू करता हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन दबा दिया, तो आप देख सकते हैं अभी ये 0 से चालू होता है। फिर इसका कंप्रेसर चालू होता है और जैसे कंप्रेसर चालू होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रेशराइज करता है कफ को। तो ये इसका काम चल रहा है। तो ये अभी मेरा ब्लड प्रेशर दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं 134 to 84 के बीच में मेरा प्रेशर है और मेरा पल्स है 83। अगर आप हाथ टेबल के ऊपर रखोगे तो इसका एक्यूरेसी ज़्यादा आएगा। अभी आप ये रीडिंग सेव करना चाहते हो, यहाँ पे आपको मेमोरी बटन दबाना है, तो ये मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। और अगर आप सेट बटन दबाते हो तो आप अलग अलग डेट्स का आप रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पे आप डेट और टाइम देख सकते हैं और आपका रीडिंग देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों BP मॉनिटर। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। ये रिव्यू देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।